जरूर अपनाएं खटमल भगाने के ये अचूक तरीके। दिन भर की भागा दौड़ी और थकान के बाद अगर रात को सोते समय खटमल काटे तो कोई भी इंसान बेचैनी महसूस करेगा। खटमल आपके शरीर के किसी भी भाग को आसानी से काट सकते हैं, जिसकी वजह से आपको खुजली, चकत्थे और फफोले हो सकते हैं। इन रेंगने वाले खौफनाक कीड़ों के बारे में सोचते ही हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। गौरतलब है कि खटमल बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ढूंढना और घरेलू नुस्खों द्वारा इन्हें मारना एक बेहद जटिल काम होता है। आप सोच रहे हैं होंगे कि आखिर इन खटमलों से पीछा छुड़ाना इतना मुश्किल क्यों है। तो आपको बता दें कि एक मादा खटमल अपने पूरे जीवन काल में लगभग 500 अंडे देती है और उन अंडों से निकले बच्चे आगे जाकर और अंडे देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी संख्या बढ़ती जाती है और आपके बिस्तर में इनका एक छोटा सा झुंड एक पूरे समुदाय में तब्दील हो जाता है, जिसके चलते इनकी संख्या को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप खटमल को अपने घर से हमेशा के लिए रफू चक्कर कर सकते हो। पुदीना। खटमल पुदीना की गंध को सहन नहीं कर पाते हैं, तो कुछ पुदीने की पत्तियां ले और अपने बिस्तर के पास रख दें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कुछ पुदीना के पत्ते उनके पलने में रख दें। पुदीने के पत्ते खटमलों को दूर रखते हैं। आप चाहे तो पुदीने के पत्तों को पीस कर अपने शरीर पर भी मल सकते हैं। कायन पेपर, लाल मिर्च। कायन पेपर गिनी राज्य की लाल मिर्च है। इसे बग पेपर, काउहॉर्न पेपर और अलेवा भी कहते हैं। इससे खटमल बहुत जल्दी भागते हैं। आप इन मिर्चों का पाउडर बनाकर खटमलों पर स्प्रे कर सकते हैं। लेवेंडर। खटमल लेवेंडर की महक सहन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आप लेवेंडर के पत्तों को खटमल वाले कपड़ों पर रगड़ सकते हैं या लेवेंडर का परफ्यूम छिड़क सकते हैं। रोजमेरी। लेवेंडर की ही तरह खटमल रोजमेरी की खुशबू भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप रोजमेरी का स्प्रे बनाकर भी इन पर छिड़क सकते हैं। नीलगिरी। नीलगिरी औषधीय गुणों के अलावा खटमल मारने में भी सक्षम है। आप इसकी कुछ बूंदे खटमलों पर छिड़क सकते हैं। आप नीलगिरी के तेल, रोजमेरी और लेवेंडर का स्प्रे बनाकर खटमलों से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। बीम की पत्तियां। बीम की पत्तियां को पुराने जमाने से खटमलों से मुक्ति पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हालांकि हम लोगों को इसके चमत्कारी गुणों के बारे में पता नहीं है, पर एक नए शोध के अनुसार बीम की पत्तियां खटमलों का नाश कर देती हैं। काले अखरोट की चाय। काले अखरोट के पेड़ का इस्तेमाल चाय बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण हैं, जिसकी वजह से ये खटमलों को मारने में कारगर साबित होता है। खटमल और उनके अंडे को मारने के लिए घर के सभी कोनों में आप काले अखरोट के टी बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्ञात कि इन बैग्स को अपने पालतू जानवरों की पहुंच से आप दूर ही रखें तो बेहतर है। टी ट्री स्प्रे। टी ट्री का तेल अपने एंटी माइक्रोबियल प्रभाव के लिए जाना जाता है। यह खटमलों से निजात पाने के लिए भी कारगर मान जाता है। टी ट्री के तेल की एक बड़ी बोतल खरीदें, उसमें थोड़ा सा पानी मिलकर उसे पतला कर लें। अब इस स्प्रे को बोतल में भर के दीवार, पलंग, अलमारी, पर्दे, फर्नीचर, गद्दे, कपड़े, सभी चीजों में छिड़कें जहां आपको लगता है कि खटमल मौजूद हैं। एक हफ्ते लगातार ये छिड़काव करने से आप खटमलों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा पाएंगे। नीम का तेल। नीम का तेल उत्तर भारत में पाए जाने वाले नीम के पेड़ से निकाला जाता है। इसमें कई एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल कीड़ों को दूर रखने के लिए किया जाता है। नीम का तेल आपको किसी भी दवा की दुकान पर मिल सकता है। नीम के तेल को आप डाइल्यूट न करें, इसका इस्तेमाल इसके शुद्ध रूप में खटमलों पर किया जाना चाहिए। घर की सभी चीजों पर इसका छिड़काव करें और डिटर्जेंट के साथ इस तेल को मिलाकर ही कपड़े धोएं। एक हफ्ते लगातार इसका छिड़काव करें। थाइम, अजवाइन के फूल। थाइम इटली की एक लोकप्रिय बूटी है, जिसका इस्तेमाल खाने में जायका बढ़ने के लिए किया जाता है। थाइम खटमलों पर सीधा असर नहीं करता, पर इसकी गंध को खटमल सहन नहीं कर पाते। इसकी गंध से वो खुद ही संक्रमित जगह से निकल जाते हैं। थाइम की पत्तियों को जालीदार बैग में डालकर खटमलों से संक्रमित जगह पर छोड़ दें। हर तीसरे दिन बैग की पत्तियों को ताज़ा पत्तियों से बदलें।